धार जिले के पीतमपुर में जिला पंचायत और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। यहाँ विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। पीतमपुर की मैक्सवेल फूड प्रोडक्ट कंपनी में हुई कार्यवाही में खाद्य विभाग के 5 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। धार जिला खाद्य अधिकारी सचिन लोगुरिया ने बताया कि विभाग की इस कार्यवाही में महेंद्र वर्मा, निर्मला सोमकुंवर और तहसीलदार विनोद राठौर ने निरीक्षण किया। फूड अधिकारी ने बताया कि जो 4 प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट का निर्माण का पता इंदौर लिखा था, जबकि इन पर पीतमपुर लिखा होना चाहिए था। इसका लाइसेंस इंदौर का था जबकि पीतमपुर का होना चाहिए। करीब 85 लाख रुपये का सामग्री बरामद हुई है। फूड अधिकारी ने बताया कि भोपाल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में सैंपल भेजे गए हैं और कंपनी को सील कर दिया गया है। लाइसेंसी रवि नायक के खिलाफ SDM कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। पीतमपुर से संजय सोनकर की रिपोर्ट। सर, आज जो मैक्वेल में कुछ अनियमितता पाई गई है, क्या लाइसेंस और किस चीज़ की आपने अनियमितता देखी है सर? आज मैक्वेल फूड प्रोडक्ट्स है सेक्टर 1 में पीतमपुर। यहाँ हमको जानकारी मिली थी कि बिना लाइसेंस के निर्माण काम किया जा रहा है। उसके संबंध में खाद्य एवं औषधि विभाग के साथ में यहाँ जाँच की हम लोगों ने, तो मौके पर इनके पास कोई लाइसेंस पीतमपुर का नहीं मिला है। जो माल पीतमपुर के नाम से निर्माण किया जा रहा था वो बिना लाइसेंस का था, तो इस कारण से हमने माल जब्त किया है, यहाँ पर सीज में लिया है। और जो कच्चा माल उपयोग कर रहे थे, टूटी फ्रूटी है, सौंफ है, सुपारी है, मिसमैच था, तो वो भी हमने सीज किया है। और लगभग 12 सैंपल हम लोगों ने यहाँ लिए हैं जो जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं। हमने कंपनियों से कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी मांगा कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं क्या, टेम्परेचर ले रहे हैं क्या, तो वो हमें नहीं मिला है अभी। वो हम कंपनी से कर लेंगे, अगर कुछ अनियमितता पाई जाती है तो उसके संबंध में भी जुर्माना करेंगे। और दूसरा, कंपनी परिसर में अगर कचरा जलाया जाता है तो उसके संबंध में भी जांच करके जुर्माना की कार्रवाई की जाए। सर, कितने सालों से यहाँ उत्पादन किया जा रहा है? अभी तो जो जानकारी मिली है, नई कंपनी है और इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। लगभग 15 नवंबर या 16 नवंबर से ये लोगों ने स्टार्ट किया है इस प्रोडक्शन करना। और इनका कहना है कि हम लोगों ने लाइसेंस की आस अप्लाई कर दिया है, तो उसकी उम्मीद में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। सर, कितना माल अभी जब्त हुआ है? कुछ लगभग 50 लाख रुपए के आसपास का कच्चा और बना हुआ दोनों माल है जो जब सीज किया है। तो क्या अनियमितता हो जाएगी तो सर इस पर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई सर? अब खाद्य एवं औषधि विभाग के कानून हैं, उनके अनुसार जांच करके और सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई संभव है। थैंक यू सर। जी, आज आपकी कंपनी में जो कार्रवाई की गई है, इस पर आपके आरोप लग रहे हैं कि आपने जो बिना लाइसेंस का जो आज बिना लाइसेंस आप जो माल उत्पादन कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, एक्चुअली क्या है कि जो भी तहसीलदार साहब फूड विभाग से जो भी लोग आए हैं, इनका जो भी आरोप है उनकी कार्रवाई के हिसाब से ठीक है, बट हमारा पक्ष ये है कि हमने आज से लगभग 2-3 महीने पहले सेंटर को फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसकी कापी हमने संबंधित अधिकारी गणों को मुहैया कराई है अपने कंसल्टेंट के माध्यम से। और सरकार में एक ये भी अपना रूल है कि किसी भी चीज़ का 30 दिन में 60 दिन में उसका लाइसेंस या तो रिजेक्ट हो या तो एक्सेप्ट हो, है ना। तो सेंट्रल का जो हमारा लाइसेंस है वो जो भी रेक्टिफिकेशन उधर से आया है हमने उसका जवाब दे के फिर से सबमिट किया। नहीं, आपका आपका ये अधिकारियों का ये कहना है कि आप धार जिले में काम करते हुए इंदौर जिले का लाइसेंस उपयोग कर रहे हैं। हमारा जो लाइसेंस का अप्लाई है वो पीतमपुर के सेपरेट है, इंदौर का तो हमारा सेपरेट है ही, और मात्र कुछ दिनों के लिए कुछ माल ऐसे हैं जो यहाँ पे, एक तो आधी चीज़ें ट्रायल बेस पे हमारे यहाँ चल रही थी जी, भाई नहीं हमारी फैक्ट्री, हमारा 20 साल से काम है वहाँ पे इंदौर में, जहाँ जिसका पूरा लाइसेंस, सारे सरकार के जितने भी चीज़ें हैं सबका अनुपालन होता है वहाँ पे। और ये हमारा नया प्लांट खुला है, रोजगार और ये सब चीज़ों मतलब इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हम ट्रायल बेस पे कुछ चीज़ें यहाँ कर रहे थे, है ना, इसलिए कुछ अनियमितता है जो क्लेरिकल बोल सकते हैं आप लोग। तो मतलब जैसे कि बैच नंबर ये सब आप जो है यहाँ अनियमितता पाई गई। देखिए सर, अभी जैसा कि तहसीलदार साहब ने भी बताया है कि 16-17 नवंबर से ही अभी आया है पकड़ में सब चीज़ें, और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह लोग हैं वो कोविड के उस में थे, कोविड कोरोना का उनका मेदांता में एडमिट थे, इस वजह से कुछ जो कर्मचारीगण हैं उनके वजह से कुछ कागजी और क्लेरिकल अनियमितताएँ हो सकती हैं, बट हमारा अप्लीकेशन जो है कि बिना लाइसेंस का हम काम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी डला हुआ है और संबंधित अधिकारी को दे दिया गया है। तो कौन सा अधिकारी को दिया था? सर को दिया गया है, हमने कॉपी भी दी है अभी और व्हाट्सअप भी कर दिया है। सर, नियम ये कहता है कि जब आप दूसरे जिले का जब यहाँ पे लाइसेंस चला सर, हमको नियम यही पीतमपुर का ही लाइसेंस है, इंदौर का नहीं है, पीतमपुर का ही एप्लीकेशन है ना, न कि इंदौर का है, सेंट्रल का है। बाकी आगे जैसा गाइडेंस मिलेगा कि अगर आपको यहाँ की ज़रूरत है
सेंट्रल का नहीं हो रहा है, अप्लीकेबिलिटी हमारी सेंट्रल की थी, अगर सेंट्रल का नहीं हो रहा है सर लोग बोलेंगे तो हम एमपी में अप्लाई कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। नाम बताइए आपका। सुनील पांडे नाम है, मैं यहाँ का एचआर कंसल्टेंट हूँ, है ना। ठीक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन में जो है कई अनियमितताओं की, जो है खाद्य पदार्थों की अनियमितताओं की आप जांच कर रहे हैं, आज क्या जांच में पाया गया, इस कंपनी में क्या क्या आज कार्रवाई हुई है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अभियान जो चल रहा है मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और जिला प्रशासन से तहसीलदार महोदय के साथ में आज यहाँ छापामार कार्रवाई की गई है। यहाँ की शिकायत मिली थी कि बिना लाइसेंस का यहाँ फैक्ट्री संचालित है, यहाँ पे आके निरीक्षण किया गया है। माउथ फ्रेशनर और स्वीट सुपारी विभिन्न ब्रांड के यहाँ बनाए जा रहे हैं और इसका रॉ मटेरियल मतलब खड़ी सुपारी, पैराफिन, सौंफ, स्टार्च पाउडर, ये सब टूटी फ्रूटी, ये रॉ मटेरियल यहाँ पाया गया है। मौके पे लाइसेंस नहीं मिला है। इनके जो पैक्स हैं, कुछ पैकों पे जो पैकों के ऊपर FSSAI का लाइसेंस नंबर होना चाहिए वो पीथमपुर का ना होके इंदौर का लाइसेंस नंबर अंकित है और निर्माण का पता भी इनके जो स्वीट सुपारी और माउथ फ्रेशनर के पैकेट्स हैं इनका पता 3 खाद्य पदार्थों पे ये इंदौर का है और एक पे पीथमपुर का है। किस पे पीथमपुर का है? ये पीथमपुर पे, पीथमपुर का जो है मतलब ये जो रोज़ फ्लेवर जो है, रोज़ स्वीट सुपारी, इस पे पीथमपुर का है। अन्य 3 जो पल्सर ब्रांड के जितने भी ये खाद्य पदार्थ हैं, स्वीट सुपारी और माउथ फ्रेशनर, इन पे इंदौर का पता अंकित है और इसी कारण ये प्रथम दृष्टया मिथ्या छाप हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जहाँ निर्माण किया जा रहा है वहाँ का लाइसेंस नंबर और वहाँ का पता अंकित होना अनिवार्य है। इस कारण से ये माल जब्त करके और ये जो रॉ मटेरियल और जो तैयार खाद्य पदार्थ हैं इनके नमूने लिए जा रहे हैं। कुल 12 नमूने यहाँ से लिए गए हैं, वो जांच के लिए भेजे जाएंगे। किन किन नमूनों को लिया गया है? नमूना ये 12 नमूने लिए गए हैं, इसमें पल्सर इंदौरी 5 स्वीट, पल्सर सौंफ चमन लाल जुबान, बंटी नंबर 1 चौको गोल्ड, पल्सर रोज प्रीमियम सूट स्वीट सुपारी, खड़ी सुपारी, किचन गोल्ड सौंफ, लवली सौंफ, प्रकाश पपाया प्रिजर्व, झिलमिल टूटी फ्रूटी, खारक कटिंग, लिक्विड पैराफिन और कटी सुपारी के नमूने लिए गए हैं और ये जो इसका जो स्टॉक है इसको मिसब्रांडेड होने के कारण और बिना लाइसेंस के कारण जी ये मिसब्रांडेड के साथ साथ क्या इसमें कुछ और भी अनियमितता पाई गई है कि ये नकली या और भी कुछ मिलावट इसमें हो रही है? ये जांच के बाद सामने आएगा। मौके पर प्रथम दृष्टया ऐसा खाद्य पदार्थ है नहीं है जिससे ये कहा जा सके। क्या प्रबंधक के खिलाफ कोई नियम विरुद्ध कार्रवाई होगी खाद्य अधिनियम के तहत? ये मिसब्रांडेड और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।